नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज नरोरा में हूँ और नरोरा में आज छात्रों का सम्मान किया गया है और मुख्य अतिथि के तौर पर असीम अरुण जी, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ हैं। सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जैसा कि आप IPS भी रहे हैं, तो सर इस छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में जो छात्र हैं उनका कैसे मार्गदर्शन किया जाए और सर क्या क्या आपकी जो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं इस प्रोग्राम के, वो क्या क्या थे? आज का कार्यक्रम, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सम्मानित विधायक जी आदरणीय CP सिंह जी द्वारा और पूरी टीम द्वारा आयोजित किया गया और ऐसे बच्चे जो हमारे नरोरा के हैं, डिबाई के हैं, जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, एक बेटी जो योग बहुत अच्छा करती है, एक साथी जिन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई है, डूबने से उनको बचाया है, कुछ बच्चे हमारे जो खेल कर रहे हैं, एक बच्चा हमारा पंजा लड़ाता है जो कजाकिस्तान मेरे ख्याल से जाएगा अपना प्रतियोगिता के लिए, तो हर तरह की प्रतिभा का आज सम्मान हुआ। और मुझे लगता है अमृतकाल यानी जो अगले 25 साल हैं वो इन्हीं बच्चों के, जो बच्चे आज 18, 19, 20 साल के हैं, 25 साल में ये 45 साल के होंगे, जो इनका सबसे प्रोडक्टिव समय जीवन का है, आप भी उसमें शामिल हैं, वो यही होगा। और माननीय विधायक जी ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने भी एक छोटा सा निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग होती है, जैसे कि विधायक जी ने बताया कई बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है कोचिंग के लिए, भाई साहब का एक विचार है, प्रस्ताव है कि हम मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग अपनी नरोरा में ही खोलें, तो हमारे विद्यालय MDL के विद्यालय हैं, अन्य विद्यालय हैं जो इच्छुक होंगे, वहाँ पर हम एक स्मार्ट क्लास बनाएंगे, एक डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे जिसमें कम से कम 40-50 टैब लगाएंगे, फर्नीचर देंगे और बढ़िया बिल्कुल अत्याधुनिक दो कक्ष तैयार करेंगे, अच्छे से अच्छे टीचर वहाँ पे लगाएंगे जिनको हम 60,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन देंगे। यानी जो उत्तर प्रदेश में या देश में सबसे अच्छी कोचिंग होती है उसका सारा प्रबंध हम करके देंगे ताकि हमारे बच्चों को कहीं दूर न जाना पड़े और कोई बच्चा वंचित न रहे। ये पूरी तरीके से हर वर्ग के लिए फ्री कोचिंग होगी, इसका बच्चे लाभ उठाएंगे। सर, जैसा कि आप सीनियर अधिकारी भी रहे हैं और अभी अभी IAS और UPSC का सर रिजल्ट भी जारी हुआ है, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि मैनपुरी के सूरज तिवारी थे सर, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है सर, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो सर, जो हिम्मत हार जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये समझते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए सर आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें अपने तरीके से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, एक समाज कल्याण अधिकारी रिंकू राही जी, अपने अलीगढ़ के भैया रहने वाले हैं, रिंकू जी मुजफ्फरनगर में थे और उन्होंने, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, जो समाज कल्याण का पैसा लोग हड़प रहे थे, लूट कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की, माफिया ने उनको गोली मारी, उनके 6 गोली लगी भैया और एक गोली सिर में लगी, मुँह में, और धस गई जाके दिमाग में उनके, लेकिन मजबूत आदमी थे, उनकी जान बच गई। और आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वो हापुड़ में एक कोचिंग हमारी है जहाँ से रिंकू को मिला करके कुल 24 बच्चे IAS IPS आदि सेवाओं में सिलेक्ट हुए हैं। तो इस बार जब मसूरी का बैच जाएगा तो उसमें उनके गुरु रिंकू भी होंगे और 23 उनके शिष्य भी होंगे, तो ये बहुत प्रेरणादायक बात है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, कभी भी हथियार नहीं डालने हैं, आगे बढ़ना है, अपने अंदर कोई कमी हो सकती है तो उसको दूर करना है और हम लोग को आगे बढ़ना है। सर, जिस प्रकार से ये तो सर अभी छात्रों के लिए प्रेरित करने की बात हो गई, जैसे सर आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आरोप आपकी सरकार पर लगाता रहता है, सर बेरोजगारी से कैसे निपटा जाए? सर, क्या सच में विपक्ष के आरोप सही हैं? आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार ने भर्तियां की हैं पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, सभी विभागों में जितनी भर्तियां पिछले 6 साल में हुई हैं कभी भी नहीं हुई। कारण ये कि पिछली सरकारों ने बहुत सारी रिक्तियां छोड़ दी, तो उन रिक्तियों को हम लोग पूरा कर रहे हैं जिससे सरकार के काम करने की ताकत भी रहे और साथ साथ रोज़गार के अवसर भी आए। लेकिन सरकारी नौकरियों का एक सीमित रूप हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा रूप है हमारा निजी क्षेत्र, जो 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसमें बुलंदशहर का बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक ऐसी फैक्ट्री, प्रत्येक ऐसी कंपनी जो कोई माल बनाती है, कोई सेवा देती है, उसमें कुछ लोगों को नौकरी मिलती है। और कल आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पर ऐसा एक कार्यक्रम भी रखा गया है कि अभी तक हम सरकारी क्षेत्र में जिनको जोड़ रहे थे वो बता रहे थे, लेकिन निजी क्षेत्र में जो साथी जुड़े हैं उनको भी
सामने लाया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार संख्या में इस प्रकार नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, जो कृषि का क्षेत्र है, जिस प्रकार डेयरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार बकरी पालन को बढ़ावा दे रहा है, मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सब योजनाओं से एम्प्लॉयमेंट यानी अवसर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी ज़रूरी है कि हमारे युवा अपना कौशल विकास करें, स्किल डेवलपमेंट करें। आज मार्केट में स्थिति ये है, अच्छी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने वाले कारीगरों की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, तो हमारे साथियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना है और ऐसे काम करना है। ऐसे और भी क्षेत्र हैं, अकाउंटेंट एक अच्छा मिलना बहुत मुश्किल आजकल हो गया है, तो उसके लिए हमको जो मार्केट की आवश्यकता है उसको पूरा करना है। और उत्तर प्रदेश हमेशा से पूरे देश को, पूरे दुनिया को विशेषज्ञ लेबर देता रहा है, आगे भी देगा। सर जिस प्रकार से, सर आखिरी सवाल है, शिक्षा की बात हो गई, सर रोजगार की बात हो गई, कानून व्यवस्था, सर हम आपके इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया था, सैफुल्ला खान को। तो सर कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की है? योगी जी का जो संकल्प है कि किसी भी प्रकार का अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी भी, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, कोई भी अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, और ये आप होते हुए देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति गलत सिफारिश नहीं करता, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता, और अगर पुलिस बताती है कि इसमें ये गलती है तो हमारे कोई भी कार्यकर्ता उसके पीछे कभी भी नहीं पड़ेंगे। और इसका परिणाम ये है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को फ्री हैंड नहीं है, पुलिस को कानून के दायरे में काम करने के लिए फ्री हैंड है। जो प्रजातांत्रिक संस्थाएँ हैं वो पुलिस पर निगाह रखती हैं, और पिछले 6 साल में जो कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, और इसका श्रेय केवल एक ही बात को जाता है कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा माहौल बना करके पूरे प्रदेश को दिया है जिसमें कानून का राज स्थापित करने का काम हुआ है। सर नरोरा आए हैं, सर नरोरा आए हैं, नरोरा के वासियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नरोवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं, माँ गंगा के तट पे निवास करते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, थोड़ा सा और नीचे कन्नौज के माँ गंगा के तट पे मैं निवास करता हूँ, लेकिन हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है माँ गंगा की निर्मलता और शीतलता को बनाए रखना। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना दी है जो अभी आ गई है, गंगा तट के दोनों तरफ 5 किलोमीटर का एक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें केमिकल आधारित फार्मिंग नहीं की जाएगी, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक फार्मिंग की जाएगी। इसका लाभ खेती के रूप में भी होगा, अच्छी उपज मिलेगी हमको, अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन जो माँ गंगा में यूरिया पेस्टिसाइड बह करके जा रहे हैं उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, माँ गंगा धरती माँ के प्रति, उसको हम सबको मिलकर पूरा करना। थैंक यू सर, तो हमारे